पानी होगा आपके पास? सर पानी तो नहीं है, नारल पानी है। लोगे 20 रुपए सर सिर्फ। क्या हुआ सर, आपके पास पैसा नहीं है क्या? नहीं, मेरा बटुआ तो था मेरे पास, पर बटुआ, फोन, घड़ी सब गायब है। सर कल रात को कुछ ज़्यादा तो नहीं? नहीं, मैं तो पीता ही नहीं। ये कौन सी जगह है? सर ये मॉर्जिम बीच है। हाँ, मॉर्जिम बीच गोवा में पड़ता है। गोवा पड़ता है इंडिया में, और इंडिया पड़ता है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान पड़ता है दुनिया में। ये मैं जानता हूँ, लेकिन गोवा, गोवा में मैं क्या कर रहा हूँ? लगता कुछ बड़ा ही प्रॉब्लम है। एक काम करो सर, आप ये नारियल पानी पियो, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। कोई बात नहीं सर, अब मेरे को ये बताइए, इस निशान का मतलब जानते हो? आपकी जेब से निकला, आपको नहीं मालूम ये क्या है? तो अभी आप कुछ देर बाद आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, आप मेरा नाम क्या जी? मेरा नाम तो पता है, मेरा नाम हो गए। वेयर इज मिस्टर केडी पाठक? उनका कोई प्रतिनिधि है यहां? यस योर ऑनर। योर ऑनर, मैं केडी से का फोन सुबह से ट्राई कर रहा हूं, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं मिस्टर पाठक अब भी इस केस के लिए सबूत तो नहीं जुटा रहे? जी नहीं, सबूत उन्हें कल रात को ही मिल गया था। इनफैक्ट वो तो मुझसे कह रहे थे कि उन्हें इस मर्डर केस में बहुत बड़ा सुराग मिला है। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। मतलब केस की पहली हियरिंग से पहले ही उन्होंने केस क्रैक भी कर दिया। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। लेकिन है कहाँ वो? हैं? वेयर इज मिस्टर केडी पाठक? मुझे नहीं पता। योरोना, आज तक केडी सर ने एक भी कोर्ट हियरिंग मिस नहीं की। 5 मिनट्स, मैं एक बार फिर से उन्हें फोन करके देखता हूँ। अयो अम्मा, मुर्का ना, मेमोरी लॉस लगता कुछ भी याद नहीं। ये तो ठीक है हिंदी फिल्मों की तरह, जैसे हीरो बोलता है कि मैं कौन हूँ करके। कुछ भी याद नहीं मुझे। एक काम कीजिए, जब तक आपका मेमोरी नहीं आ जाता ना, आप मेरे घर चल कर रहिए, मेरा घर यहीं नज़दीक में है सर, आइए सर। बैठिए। अम्मा, ये आदमी में कुछ तकलीफ में, कुछ देर हमारे साथ रहेगा अम्मा। साहब ये मेरी अम्मा, इसको दिखाई नहीं देता, ये ब्लाइंड है, टीवी को रेडियो समझ के सुनती रहती है। साहब मिस्टर जॉर्ज रेगो के मर्डर केस की पहली हियरिंग है। 14 अप्रैल को हुई मिस्टर जॉर्ज रेगो की सनसनी केस हत्या का आरोप उनके बड़े भाई अल्फ्रेड रेगो पे आया है। अल्फ्रेड रेगो का केस मशहूर लॉयर केडी पाठक लड़ रहे हैं, और उन्हें पूरा यकीन है कि अल्फ्रेड रेगो बेकसूर है। अयो, रोज वही बोरिंग न्यूज। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अब केडी सर का फोन अभी भी स्विच ऑफ है, उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। इट इज वेरी इरेस्पॉन्सिबल ऑफ मिस्टर केडी पाठक, इतने लोगों का यूं वक्त जाया करना, और वो भी बिना नोटिस दिए। क्योंकि अब पहली बार है मैं एक्शन नहीं ले रहा हूं,
डिफेंस काउंसिल की गैर मौजूदगी के कारण यह अदालत कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी की जाती है। तुम्हारे ये केटी पाठक है तो केस के साथ साथ हमें भी लटका दिया है। मुझे तो डर है केडी से कहीं किसी मुश्किल में तो नहीं। कोई पेपर से तुम्हारे पास केस के? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ केडी सर के पास है। इस केस को स्टार्ट से एंड तक केडी सर ने ही संभाला है, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। स्विच ऑफ। में सबसे ज्यादा चंदा मेरा बस्ती से आया है, इसलिए स्थापना मुझे ही करनी चाहिए मूर्ति। देखिए, इस जगह की परमिशन, इस जगह की क्लियरेंस हम लोगों ने किया है, तो मूर्ति की स्थापना हम ही लोग करेंगे। हाँ, मंदिर बनाया किसने? मैंने। इसलिए ये मूर्ति मैं रखूंगा मंदिर में। अरे, इस मंदिर बनाने का प्लान मेरे पिताजी का था, तो इस मूर्ति की स्थापना मैं करूंगा। एक मिनट, क्या कष्ट है आप लोग लड़कियों ने? इन्हें 4 लोगों ने मिलकर एक मंदिर बनाया, अब ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं सर। क्या मंदिर में मूर्ति का स्थापना कौन करेगा सर? भैया सर, आप भगवान एक और भक्त 4, ये तो बहुत बड़ा बेइंसाफी है सर। नहीं तो चारों स्थापना क्यों नहीं कर सकते? अगर चारों का योगदान है मंदिर में, मूर्ति के भी 4 कोने हैं, अगर एक एक व्यक्ति मूर्ति का एक कोना पकड़ ले तो चारों के हाथों से एक ही साथ स्थापना हो जाएगी। अयो सर, कमाल है सर, आपने इतना बड़ा प्रॉब्लम एक मिनट में सॉल्व कर दिया सर, वरना सर ये सब लोग आपस में लड़ झगड़ के मर जाता। अयो सर, आपको तो वकील होना चाहिए सर। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ। हेलो हेलो साहिबा, वो जिंदा है? अरे वही केटी पाठक। हाँ, अभी अभी मच्छी मार बस्ती में देखा है। हाँ क्या? माँ कसम, क्या पास्कल को भेज रहे हो? ठीक है, मैं उसको उधर ही रोक के रखता हूँ। पर साहिबा, मैं कैसे रोक सकता हूँ अगर उसने मुझे पहचान लिया तो? ठीक है ठीक है ठीक। हेलो हेलो हेलो, अरे यार फोन करके तुम्हें फंस गया। तो आप लोगों को लगता है कि मिस्टर केडी पाठक मिसिंग है? जी सर, हमें लगता है कि केडी सर किसी मुश्किल में, वरना वो हमें जरूर फोन करते। ओके, लास्ट कब मिले थे आपने? मैं उनसे कल मिला था, और उसके बाद उन्होंने मुझे आसागांव से फोन भी किया था। आसागांव? जहाँ जॉर्ज रेगो का फार्म हाउस है। वरुण, मैं रेगो के फार्म हाउस से बोल रहा हूँ। जी सर, यहाँ कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिनके द्वारा हम असली हत्यारे तक पहुँच सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। तू कहाँ है? वहीं रुक, मैं आता हूँ। ओके सर। उसके बाद कोई खबर? जी नहीं, मैं तब से उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उनका फोन लग ही नहीं रहा, स्विच ऑफ आ रहा है। जहाँ होती है वारदात वहीं मिलते हैं सुराग। सो आई सजेस्ट हमें उस फार्म हाउस पर एक बार फिर से जाना चाहिए। कौन कड़ी निकाल रहे? चलिए वेंकट साहब, मैं चलता हूँ। भैया सर, अभी तो आपका मेमोरी लॉस है सर, तो आप अभी किधर जाएगा सर? अब यहाँ रहकर भी कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। हो सकता है बाहर कोई जगह देखकर मुझे कुछ याद आ जाए। आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत आभार मानता हूँ। वैसे निकट का पुलिस स्टेशन कहाँ है? सर, आप रोड के लेफ्ट को जाएंगे तो आपको पुलिस स्टेशन मिल जाएगा सर। धन्यवाद।
अरे ये तो पुलिस के पास जा रहा है, फिर तो पास्कल को इसको मारने में मुश्किल होगा। अगर पास्कल ने इसको नहीं मारा तो साहिबा मेरे को मार डालेगा। क्या करूं? हाँ, केडी पाठक का मेमोरी आउट, कुछ तो करना होगा। साहब, हेलो, किधर है साहब आप? कल से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको। तुम जानते हो मुझे? बस क्या साहब, 3 दिन से आप मेरी बाइक में घूम रहे हो, तो मैं कैसे नहीं जानूंगा, पर आप कैसे भूल सकते हैं? ओ वाह, मेरे माथे पे चोट लग गई थी तो कुछ याद नहीं आ रहा। तुम जानते हो मुझे, तो मेरा नाम पता है तुम्हें? अरे माइकल पिंटो, आप एक मशहूर फोटोग्राफर हो, अब गोवा आए हैं फोटोग्राफी करने के लिए। तो 3 दिन से मैं तुम्हारे साथ घूम रहा हूँ, तो मेरे होटल का पता जानते होंगे तुम, मुझे वहाँ ले चलो, हो सकता है मेरा सामान देखकर मुझे याद आ जाए मैं कौन है। बिल्कुल साहब, आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। हेलो हेलो साहिबा, पास्कल को इधर मत भेजना, मैं खुद उसको लेकर अड्डे पे आ रहा हूँ, आप उधर ही उसका गेम बजा देना। ठीक है साहिबा। क्या? हाँ ठीक है। बैठिए साहब, बैठिए, चलिए मैं आपको आपके होटल तक लेकर चलता हूँ। रेगो का मर्डर इधर ही हुआ था। केडी से ने मुझे यहीं से फोन किया, केडी से की गाड़ी भी यहीं खड़ी। गाड़ी खुली हुई है। ये तो केडी से की हैंडराइटिंग है। ये चपोरा क्या? चपोरा? चपोरा तो यहाँ का बहुत पुराना किला है, यहाँ पर कोई नहीं जाता। पर केडी अपनी गाड़ी पर ये सब क्यों लिखेगा? शायद केडी से हमें कोई क्लू देना चाहते हैं, हमें चपोरा जाना होगा। तो कहा था कि होटल लेकर जाओगे, ये तो खंडर में लेके, होटल कहाँ है? अरे है ना पिंटो सर, इस फोर्ट का पीछे बहुत बड़ा रिसोर्ट है। इसके पीछे? हाँ, घबराने का नहीं, आने का। आई आई आई। वैसे भी मैं उसे मारने ही वाला हूं। ओके। अरे कहां गए? नहीं लगता यहाँ कहीं होटल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो।
बोलो कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते? इसे गोली क्यों मारी? अगर मैं इसे नहीं मारता ये आपको चाकू मार देता। ये मुझे कुछ बताने वाला था भी। पर पाठक साहब आप यहाँ कर क्या रहे हो? पाठक? कौन पाठक? मैं तो पिंटू हूँ। सर केडी साहब ठीक तो है? तुम कौन? क्या चल रहा है सर? कौन है आप लोग? लगता है किसी ने बहुत जोर से आपके सर के पीछे मारा। क्यों मुझे एक में क्यों मारेगा? साहब को सचमुच कुछ भी याद नहीं? आप केडी पाठक हैं? एडवोकेट केडी पाठक? एडवोकेट? किसी ने मुझे फोटोग्राफर बोला था और उसके कारण मैं मरते मरते बचा। आप दोनों पाठक साहब? मैं राठौर, इंस्पेक्टर सूरज राठौर, मुंबई पुलिस। वरुण और आपके साथ ही यहाँ आया हूँ एक केस के लिए। केस? कैसा केस? सर बिल्डर जॉर्ज रेगो की मर्डर का केस जिसने पूरे गोवा में तहलका मचा दिया। सर 14 अप्रैल 2013 असागांव में उनके फार्म हाउस पर। एक मिनट चलो सर, ये देखिए उनके बंगलों के सीसीटीवी कैमरा पर सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। ये देखिए सर, इसे देखकर कुछ याद आया आपको? तो पहली बार देख रहा हूं मैं। सर 14 अप्रैल 2013 को गोवा के मशहूर बिल्डर जॉर्ज रेगो, सर उनका मर्डर हुआ था। वो अपने बुलेट प्रूफ कार में अपने फार्म हाउस पर जा रहे थे। वहां दो शूटर उनका इंतजार कर रहे थे। गेट पर वॉचमैन नहीं था इसलिए उनका ड्राइवर कम बॉडीगार्ड गाड़ी से उतरा गेट खोलने के लिए, और इसी का फायदा उस शूटर ने उठाया। वो अपने बाइक से उतरा और उसने 3 गोलियां मिस्टर जॉर्ज के सीने में मारी और वहीं उनकी मौत हो गई। इससे पहले कि वो भाग सके उसने ड्राइवर को गोली मार दी? जी हाँ सर, ऐसा ही हुआ। लेकिन 1 घंटे बाद उस शूटर ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। लेकिन मरने से पहले उसने एक बात कही थी। मुझे ये सुपारी जॉर्ज रेगो के भाई अल्फ्रेड रेगो ने दिया था। अल्फ्रेड रेगो? यही नहीं सर, आपने फुटेज में देखा होगा जब वो शूटर बाइक से उतरा गोली चलाने के लिए उसके हाथ में सेलफोन था और वो किसी से कह रहा था, सुनी अपने भाई की चीख। सुनी भाई की चीख? काम हो गया आपका। यह सामान्य ज्ञान मुझे ये कहता है कि मरने वाले के भाई ने ही हत्यारे को भेजा होगा उसे मारने के लिए। एग्जैक्टली सर, और इसी बिना पर पुलिस को लगता है कि जॉर्ज की सुपारी उसके भाई अल्फ्रेड ने दी थी। एक्चुअली दोनों भाइयों के बीच काफी दिनों से एक प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट केस चल रहा है। इसी बेस पर पुलिस को लगता है कि अल्फ्रेडो ने जॉर्ज को मरवाया। ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं आप दोनों की क्या मदद कर सकता हूँ इसमें? सर आप केडी पाठक हैं, एडवोकेट केडी पाठक, आपने ही तो ये केस लिया। को कुछ भी याद नहीं? सर पूरे गोवा को लगता है कि अल्फ्रेड ने अपने भाई को मारा, लेकिन आपको सर आपको ये भी याद नहीं कि अल्फ्रेड की पत्नी आपसे ऑफिस में मिलने आई थी? प्लीज मिस्टर पाठक, अल्फ्रेड ने अपने भाई का मर्डर नहीं किया।
उनकी आपसे दुश्मनी का कोई फायदा उठा रहा है। मिस्टर पाठक, प्लीज सेव अल्फ्रेड, प्लीज सेव हिम। मिसेस रेगो, उस शूटर ने पुलिस को अपने कथन में कहा है कि आपके पति ने ही उसे हत्या करने को कहा था, और गोली चलाने से पहले जो अंतिम फोन कॉल शूटर ने किया था, आपके पति को ही किया था। नो मिस्टर पाठक, ये अल्फ्रेड को फंसाने के लिए है। देखिए, मैं मानती हूँ कि अल्फ्रेड और जॉर्ज आपस में कई सालों से अपनी डैड की प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनकी मम्मी की डेथ के बाद अल्फ्रेड चेंज हो गया था। अल्फ्रेड, क्या हुआ? ये फोटो देख लो जी, मैं, जॉर्ज, मामा एक साथ। किसको पता था कि 30 साल के बाद हम एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएंगे, और वो भी उस मनहूस प्रॉपर्टी के लिए। तो तुम क्या करना चाहते हो? मामा ने अपने डेथ बेड पे मुझसे वादा किया था कि ये झगड़ा खत्म कर दो। लेकिन जॉर्ज तो अभी भी। हाँ, लेकिन बड़ा तो मैं हूं ना जेनी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं केस से पीछे हट रहा हूं। मुझे कोई केस नहीं करना है। That George gave the property. But Alfred, 200 करोड़। 200 करोड़ मामा को दिए वादे से ज्यादा नहीं है जेनी। मेरा अपना साकुन कौन है जॉर्ज के अलावा? मैं उसके लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ। अब आप ही बताइए मिस्टर पाठक, इतना इमोशनल डिसीजन लेने के बाद क्या वो अपने भाई की जान लेगा? देखिए मिसेस रेगो, अदालत भावनाओं को नहीं, केवल साक्ष्य को देखता है, सबूत को देखता है। बताइए कि अल्फ्रेड ने अपने भाई के विरुद्ध वो केस वापस ले लिया था? वापस लेने ही वाला था कि जॉर्ज का मर्डर हो गया। मैं समझ रही हूँ मिस्टर पाठक, आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे और अल्फ्रेड के पास इसका कोई एविडेंस नहीं है जिस पर आप ये केस लड़ सकें। बचेस, मैं आपको कुछ और दिखाना चाहती हूँ। लास्ट वीक मेरी सिस्टर इसे रोम वेटिकन सिटी से लाई थी, और अल्फ्रेड ने उसे कहा था कि प्रोटेक्शन के लिए वो 2 ब्लेस्ड क्रॉसेस लेकर आए, एक अपने लिए और एक जॉर्ज के लिए। अब आप ही बताइए मिस्टर पाठक, जो आदमी अपने भाई की प्रोटेक्शन के लिए ब्लेस्ड क्रॉस मंगवा सकता है, क्या वो उसका मर्डर करेगा? बाकी आप पर है। थैंक यू फॉर योर टाइम। You're welcome, Mrs. Ray. So, आपको लगता है अल्फ्रेड बेगुनाह? पता नहीं वरुण, लेकिन अगर जरा सी भी शंका है तो मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। आई मस्ट फाइट द केस। और फिर आप गोवा आए, आपने खुद से छानबीन की, आपने मुझे गोवा बुलाया। मैंने? और सर, आप कह रहे थे कि आपको इस केस में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। सॉरी, कुछ नहीं याद आ रहा मुझे। आप दोनों क्या कह रहे हैं कुछ समझ भी नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन क्या मिला था मुझे जेब में, इससे अगर कोई आप लोगों की मदद हो सके तो। सर, ये क्या है, ये सिर्फ आपको मालूम है। देखो केडी, अल्फ्रेड मेरे बचपन का दोस्त है, मैं जानता हूँ वो किसी का खून नहीं कर सकता। तुम्हारे बिना ये केस कुछ भी नहीं है, अल्फ्रेड को फांसी हो जाएगी। एक मिनट रखिए, मैं समझता हूँ कि वो आपका मित्र होगा, मैं आप दोनों की चिंता भी समझता हूँ, लेकिन मैं आप दोनों को ही नहीं पहचानता। मैं फिर आपके केस में आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? सो वो बात की बात है,
आपको सबसे पहले ये यकीन करना होगा कि आप केडी पाठक हैं, इस देश का सबसे बड़ा वकील। सुपरस्टार लॉयर केडी पाठक, मैं एडवोकेट हूं केडी पाठक। केडी का मतलब क्या है? इसका सवाल तो पूरी दुनिया आपसे पूछती है और जवाब सिर्फ तुम्हें पता है। केडी का कुछ पता चला जेनी? यस अल्फ्रेड, उनके असिस्टेंट वरुण का फोन आया था, केडी मिल गए हैं और वो कल कोर्ट में भी जाएंगे। थैंक गॉड। पर वो था कहां? ये तो नहीं बताया। मैं तो घबरा ही गया था कि कहीं उसने हमारा केस तो नहीं छोड़ दिया। जस्ट प्रे कि मैं यहां से बाहर आ जाऊं। डोंट वरी अल्फ्रेड, गॉड ने चाहा तो सब ठीक होगा। और फिर मैं यहां से सीधे चर्च जा रही हूं तुम्हारे लिए प्रे करने। क्या हुआ? बेटी टेंस क्यों लग रही? केडी पाठक लौट आया है और अगर वो केस जीत गया ना तो ये डील कैंसिल हो जाएगी। मैं कुछ करता हूँ, डील नहीं टूटेगी। हम बहुत आगे आ गए हैं। तो अब तुम क्या करोगे? इसके सामान की तलाशी के बाद पता चला है कि ये मिस्टर पास्कल परेरा है, गोवा का नामची शूटर। जॉर्ज रेगो की हत्या में जो दो लोग शामिल थे उनमें ये भी एक था। पुलिस के मुताबिक तब ये बाइक चला रहा था और बच के निकल गया था। यार हम तो ये सोच रहे थे कि पहला शूटर मिलेगा तो उससे पता चलेगा कि दूसरा शूटर कौन है, तो अब तो कोई रास्ता ही नहीं निकल सकता। ये तो अभी भी हो सकता है। क्यों इंस्पेक्टर पहुंचेगा? इस लाश से कोई क्लू बरामद हुआ है? हुआ है। ये सेलफोन और ये वॉलेट। इसमें तो कोई कॉन्टैक्ट डिटेल है ही नहीं। वॉलेट में पैसे और ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा कुछ भी नहीं। मतलब डेड बॉडी के सामने डेड एंड? नहीं, डेड एंड में एक रास्ता मिला है। पास्कल परेरा की राइफल, उस राइफल के ऊपर एक सीरियल नंबर है। उस सीरियल नंबर के थ्रू हमने इसके लाइसेंस को ट्रेस किया और पता चला ये राइफल किसकी है। खुद इसकी है? नहीं, ये राइफल इसकी नहीं है। ये राइफल है आपके व्हीकल मिस्टर अल्फ्रेड रेगो। यानी कि मिस्टर केडी पाठक मिस्टर रेगो और शूटर के बीच एक और कड़ी। आपका केस तो पानी में गया। घाव देख सकता हूँ जरा? इंस्पेक्टर फोंसेका, मेरा केस भले ही पानी में गया लेकिन डूबा नहीं, तैर रहा है। सवाल करते हो तुम, मेरी याददाश्त वापस आ गई और मुझे ही नहीं पता। सब अब हमें सबसे यही कहना पड़ेगा, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यह पता चल गया कि आपको इस केस के बारे में कुछ भी याद नहीं तो वो इस बात का फायदा उठाकर केस पलट देंगे। पर पाठक साहब को तो वकालत का ABCD भी याद नहीं है। राठो साहब डोंट वरी, मुझे केडी सर पर इतना भरोसा है कि वो बिना मेमोरी के भी इस केस को जीत सकते हैं।
Look! केडी सर, आई ओके? तुमने नंबर नोट किया? नहीं। केडी सर, आप ठीक हो? हाँ, ओके। कोई तो है जो नहीं चाहता कि मैं कल सवेरे अदालत जाऊं। जस्टिस नायडू ने भी कोर्ट हियरिंग पोस्टपोन करने से इनकार कर दिया। अब तो आपको केस लड़ना ही होगा। या पाठक साहब, इस केस की फाइल तो पढ़ी होगी आपने। ओ वाह, फाइल तो गुम हो गई थी। चोरी हो? सब अल्फ्रेड रेगो के अलावा और कोई क्लू है आपके पास? हाँ, अल्फ्रेड रेगो के बयान के अलावा और कोई क्लू है आपके पास? हेलो मिस्टर पाठक। सब पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर सलगांवकर। हाँ, आपके विरुद्ध सरकार की तरफ से यही केस लड़ने वाले। I know, Mr. Salgaonkar. Salgaonkar. Ah, Salgaonkar. So sorry, sir. क्या हुआ मिस्टर पाठक? कल आपने अदालत में गुठली मार दी? गुठली? गुठली तो आम की होती है ना। मैं जरा फंस गया था। I'm back. Sorry to keep you waiting. We should not keep the judge waiting. Please, after you. I'll see you later. जी। वो गले में भी कुछ पहनते हैं? Yes sir. ये से प्लीज सेव अल्फ्रेड, अल्फ्रेड को बचा लीजिए प्लीज। सर, मिस्टर जेनी रेगो, अल्फ्रेड की पत्नी। डोंट वरी, केडी से आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा। बैठिए। आइए सर। सर, वहां पे सीट है। इस केस को लेकर तुमने अच्छा नहीं किया मिस्टर पाठक। सर, ये क्रैश हो। जॉर्ज रेगो का मैनेजर और दोस्त। चले बैठे। जज साहब पधार रहे हैं। सर, जस्टिस नायडू है, बहुत ही कड़क है। ऑल द बेस्ट। योर ऑनर, आपकी इजाजत से मैं इस केस में प्रोसिक्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूं, जो ये है कि 14 अप्रैल को मिस्टर अल्फ्रेड रेगो ने दो शूटर्स बाबुल और पास्कल को भेजकर अपने भाई मिस्टर जॉर्ज रेगो की हत्या करवाई। In conclusion, Your Honor, इस फोन पर दर्ज नंबर, बाबुल के मरते हुए बयान और पास्कल की इस राइफल से साफ जाहिर होता है कि उन दोनों शूटर्स का नाता मिस्टर अल्फ्रेड रेगो से है और इन्होंने उन्हें भेजा था मिस्टर जॉर्ज रेगो की हत्या करवाने के लिए। और इसलिए Your Honor, प्रोसिक्यूशन की आपसे दरखास्त है कि मिस्टर रेगो को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पाठक,
मिस्टर के डी पाठक जी। क्या हुआ, आप यूं खामोश क्यों हैं? मिस्टर पाटर, क्या हुआ, आप खामोश क्यों हैं? या फिर आपको भी ऐसा ही लगता है कि आपके मुवक्किल कसूरवार हैं? मिस्टर पाठक, आप अपनी सफाई पेश कीजिए। वैसे भी आपके कारण कोर्ट का काफी वक्त जाया हो चुका है। सॉरी। क्या कहना है आपको अपने मुवक्किल के डिफेंस में? मैं आपकी इजाजत हो तो इस केस में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना चाहूँगा, जो ये है कि मिस्टर 14 अप्रैल को मिस्टर अल्फ्रेड रेगो ने दो शूटर बाबुल और पास्कल, उन दोनों को भेजा जॉर्ज रेगो की हत्या की। ये बात सच नहीं है, झूठ। तो फिर एक सच्चाई के बारे में आपसे पूछते हैं मिस्टर पाठक। हाँ। हमने तो सुना था कि आपकी याददाश्त चली गई थी। नहीं, आपको इतना तक याद नहीं था कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर पाठक कि वही सिलसिला अब भी जारी है? नहीं नहीं, मुझे याद है, मैं केडी पाठक हूँ मिस्टर पिलगांवकर। मिस्टर सालगांवकर, सालगांवकर, सॉरी मिस्टर सालगांवकर। चलो, आप ये तो जानते हैं कि आपका नाम मिस्टर केडी पाठक है। जी, मान लिया। लेकिन आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं? मैंने अभी कहा जज साहब से कि 15 अप्रैल को 14 अप्रैल को अल्फ्रेड रेगो ने दो शूटर बाबुल और पास्कल को भेजा जॉर्ज रेगो की हत्या की। ये बात झूठी है मिस्टर पाठक। जी जी सर। क्या आप इस केस को लड़ने की स्थिति में हैं या नहीं? जी सर, एक्चुअली सर मेरी तबीयत। एक्सक्यूज मी योर ऑनर। केडी सर। एक्सक्यूज मी सर, जरा मैं 2 मिनट्स। एक्सक्यूज मी वरुण, मुझसे नहीं होगा ये सब। देख, कुछ याद नहीं है मुझे। इतनी बड़ी अदालत है, इतने सारे लोग हैं यहाँ, अजीबोगरीब प्रश्न कर रहा है वो आदमी मुझसे। समझ में नहीं आ रहा क्या उत्तर दूं, कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे सब भूल गया। तो फिर आप भूल जाइए कि आप एक लॉयर, भूल जाइए जो आपके साथ हुआ, जो आपके सामने है उसे देखिए। कैसी बात है सर, एक आम आदमी की तरह, जिसके सामने दो पहलू रखे गए, एक सही एक गलत। केडी सर, इस केस को आप अपनी वकालत के जोर पर नहीं, अपनी सोच के जोर पर लड़िए। यूज योर लॉजिक, कम ऑन सर, कम ऑन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.